हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई टीम के प्रेडिक्शन के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस बार मैंने इमर्जिंग नेशनल कप का जो फाइनल होने वाला है, यंग श्रीलंका और पाकिस्तान श्रीलंका, जिसे हम श्रीलंका अंडर 19 और पाकिस्तान अंडर 19 भी कह सकते हैं, उसके टीम के प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। इसमें हमने एक टीम बनाई है। तो दोस्तों, विकेट कीपर है मैंने मोहम्मद रिजवान को लिया है। आप चाहें तो सडेरा, जो कि श्रीलंका के विकेट कीपर, उन्हें भी ले सकते हैं। दोनों समान तौर पे टैलेंटेड है, बट हमने मोहम्मद रिजवान के साथ जाना सही समझा, तो हमने मोहम्मद रिजवान को लिया है। बैटिंग में हमने चार बल्लेबाजों के साथ उतरे हैं। हमने हरीश सोहेल को लिया है, एंजेलो परेरा को लिया है जो कि श्रीलंका के कैप्टन भी हैं, फिर हमने इमरान बट को लिया है, और फिर हमने किथुरवन विथानागी को लिया है। और दोस्तों, जहाँ तक इमादुल हक की बात है, तो उनका खेलना ना खेलना तय नहीं है, क्योंकि अंतिम मैच उन्होंने नहीं खेला था। और जहाँ तक इमरान बट की बात है, तो भले ही उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पिछले कुछ मैचेस में, बट मुझे लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इमरान बट के साथ गए हैं। अब चलिए ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं। ऑलराउंडर्स में मैंने दोस्तों तीन ऑलराउंडर को लिया है। पहला है चरित असलंका, जो कि श्रीलंका के हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा ऑलराउंडर हमारे हुसैन तलत हैं, जिन्होंने पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की। और तीसरे ऑलराउंडर हमारे बिलाल आसिफ हैं, जो कि कम पॉइंट्स में हैं, 8 क्रेडिट में हैं सिर्फ, और काफ़ी अच्छे पॉइंट भी कमाए हैं और काफ़ी अच्छे खेलते भी हैं। दोस्तों, आप चाहें तो सेहान जयसूर्या के साथ भी जा सकते हैं, वो भी एक अच्छे ऑप्शन है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन्हीं तीनों के साथ जाएँ। फिर बचे हमारे तीन बॉलर्स। जो हाँ दोस्तों, तीन बॉलर्स से मैंने दो श्रीलंका के और एक पाकिस्तान के बॉलर को लिया है। श्रीलंका के बॉलर में हमने अमिलो अपोन्सो, असीथा फर्नांडो और उसामा मीर को लिया है। तो चलिए दोस्तों, हमारी टीम को सेव कर देते हैं। कैप्टन में दोस्तों मैंने मोहम्मद रिजवान को लिया है, और वाइस कैप्टन में मैंने चरित असलंका को लिया है। आप चाहें तो इन्हें कैप्टन ही बना सकते हैं, और मोहम्मद रिजवान को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए अपनी टीम को सेव करते हैं, और चलिए प्रिव्यू करा देते हैं आपको एक बार, ताकि आपको अच्छे से एक बार देख सके मेरे पूरी टीम को। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जहाँ तक बाकी कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शंस की बात है, तो अगर आप चाहें तो हुसैन तलत या बी आसिफ में से दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में, और उसके अलावा किसी और को बनाना उतना उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से। यही चाह रहे हैं जो कैप्टन या वाइस कैप्टन के अच्छे दावेदार हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।